5% के आसपास अगर हम बात करें तो ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे कोई हार्ड नहीं होते, बस उस पर्टिकुलर चैप्टर की गहराइयों को नापने के लिए 5% सवाल पूछे जाते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो जो आते हैं ना 720, 715, 705, उनमें और 690 वालों में। आप देखो जरा, आप अगर रैंक देखोगे बच्चों की, तो अगर AIR 1 की हम बात करें तो वो अगर 720 पे आ रहा है, आजकल तो आने लगे 720 में, 715 पे आ रहा है, 701 पे आ रहा है, 705 पे आ रहा है, तो 10 तक का डिफरेंस, AIR 1 से 10 तक का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 5-7-10 नंबर का डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं 5%। भाई अगर हम बात करें 710 पे AIR 1 है, तो 695 पे AIR 10, तो जो कितना छोटा मार्जिन होता है 1 से लेकर 10, तो वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं कौन से वाले, ये 5%। और 5% के आसपास अगर हम बात करें तो ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे कोई हार्ड नहीं होते, बस उस पर्टिकुलर चैप्टर की गहराइयों को नापने के लिए 5% सवाल पूछे जाते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो जो आते हैं ना 720, 715, 705, उनमें और 690 वालों में। आप देखो जरा, आप अगर रैंक देखोगे बच्चों की, तो अगर AIR 1 की हम बात करें तो वो अगर 720 पे आ रहा है, आजकल तो आने लगे 720 में, 715 पे आ रहा है, 701 पे आ रहा है, 705 पे आ रहा है, तो 10 तक का डिफरेंस, AIR 1 से 10 तक का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 5-7-10 नंबर का डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं 5%। भाई अगर हम बात करें 710 पे AIR 1 है, तो 695 पे AIR 10, तो जो कितना छोटा मार्जिन होता है 1 से लेकर 10, तो वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं कौन से वाले, ये 5%।